नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के वाई टेक्निकल बिहार पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आईटेल के कीपैड फोन में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे चालू करते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपको चालू करने के लिए क्या करना होगा, दोस्तों बीच वाले बटन को दबाना है। बीच वाले बटन को दबा करके दोस्तों यहाँ पे सेटिंग दिख रहा है, साइड वाले बटन को दबा करके सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कॉल सेटिंग का। कॉल सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर देना। ओके करने के बाद दोस्तों आपको नीचे के तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करते रहना है दोस्तों। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा अदर्स का। अदर्स का ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों ऊपर में, इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों ऑटो रिकॉर्ड आवाज़, ऑटो रिकॉर्ड वॉइस, ये ऑप्शन मिल रहा है दोस्तों ऑटो रिकॉर्ड वॉइस। दोस्तों इस पर क्लिक करके दोस्तों इसको टिक कर देंगे। टिक करने के बाद क्या होगा दोस्तों, अब आपके नंबर पे कोई भी अगर कॉल करता है तो दोस्तों उसका वॉइस जो है अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा, चाहे वो अननोन नंबर हो या आपका डायल नंबर हो, दोस्तों उसका जो वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगा, दोस्तों आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।